हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और बता दूं आप लोगों को कि मैं जिम के लिए रेडी हो चुका हूं। आज व्लॉग लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि दो तीन दिनों से लगातार काम कर रहा था तो रेस्ट नहीं मिल रहा था, तो आज सोया था मैं ढंग से। सुबह उठ तो मैं गया था टाइम से ही, बट ब्रेकफास्ट करके मैं फिर से सो गया था दिन में, तो लेट उठा था। तो अब मैं रेडी हो चुका हूँ और चल रहे हैं जिम, और आज से होगा सीरियस वाला वर्कआउट। और चलते हैं जिम, लेग्स का वर्कआउट करेंगे आज। तो अनुभव भी नीचे आ चुका, फटाफट से चलते हैं और आप लोगों को आज दिखाऊंगा लेग्स का वर्कआउट बढ़िया वाला, ठीक है। तो भाई भाई आ चुका है और भाई खड़ा है, ओ भाई साहब ये क्या है भाई, भाई साहब नाइस, दिल खुश हो गए देख के। तो क्या हाल है भाई के, पैसा है तो बड़ी 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 बात है भाई, ये देख के तो मतलब देख लो गाइस, पहले मैं गाड़ी में टांगता था भाई साहब, मजे आ गए। एक है पूरी, हाँ अभी एक दोस्त को देनी है, वो उसका वो बनवाएगा पेड़, बहुत बेहतरीन, मजा ही आ गया भाई इसे देख के तो, दिल खुश हो गया। तो भाई आज लेग्स का वर्कआउट, यस भाई रेडियर, आज से एक चीज तो बताने भूल गया भाई, रेडियर भाई आज से हम दोनों की डील हुई है कि ये अनुभव आपसे सीरियस रहेगा वर्कआउट में, और हम मैं भी, और दोनों रेगुलर जाएंगे जिम, और जिम मिस नहीं होगा आपसे, पक्की बात है। अब चाहे कुछ हो जाए जिम नहीं छूटेगा, ये हुई ना बात, यही चाहिए था। और अब से सीरियस ट्रेनिंग शुरू, और अभी जिम चल के अपना वेट दिखाता हूँ आज आप लोगों को, और इसका भी वेट दिखाऊंगा आज, ठीक है, तेरा वेट भी आज हो जाए, दोनों वेट देखेंगे और फिर एक महीने के बाद वेट देखेंगे, ठीक पक्की बात है। हाँ लेकिन फिर मसल वसल सबके साथ की, मतलब प्रॉपर रिजल्ट आया, हाँ 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 ठीक है। ये देखें एक महीने का टाइम है हमारे, एक महीने में मैं अपना दोनों वेट मेजर करेंगे आज, और फिर एक महीने के बाद करेंगे वेट मेजर, और फिर देखेंगे किस में कितना इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये अच्छी चीज हो गई भाई, आज से कुल मिला के सीरियस वाली जो ट्रेनिंग है अपनी वो स्टार्ट है फुल पावर, यस मजा आने वाला भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है फुल पावर मजा आएगा। जब तब के मई के एंड में चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट रहे हैं, ये ठीक है, ये हुई बात कुछ बेहतरीन। और बताओ क्या मौज आ रही है तुम्हारी भाई, बस भाई काट रहे टाइम, चलो गाइस तो जिम चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से और वर्कआउट दिखाता हूँ फिर आप लोगों को बेहतरीन सा, और वेट भी दिखाता हूँ, ठीक है। और ये नेताजी कौन जा रहे हैं भाई, इतनी सारी पुलिस, लगता है भाई ना आईपीएल में जीत गया मैच वैसे भी आजकल ऐसे ही चल रहे हैं, लास्ट लास्ट बॉल बचा है, इन्होंने जीता 1.5 करोड़, 1 करोड़ तो लेकिन सेकंड प्राइज है भाई भाइयों जिम ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, इतना पैसा खर्च करते हो बॉडी पे, थोड़ा सा इस पे भी कर लो। अच्छा अंकित गिल समझ गया भाई, ये हेटर्स ऐसे होते हैं, हेटर्स हेटर्स की शक्ल ऐसी होती है देख लो भाई, अच्छा देखो इतने सुंदर होते हैं। जल्दी आने का एडवांटेज भाई, जिम में कोई भी नहीं है, ये देख लो इसे, ये है बस मैं हूँ, भैया हैं अभी, भैया आ जाएंगे, इनका कितनी देरी लग रही है भैया को आने में, थोड़ी देर में आ जाएंगे, ये देखो अब इसका वेट होगा, कितना वेट है इसका, चलो भाई चढ़ जा, जनावर आता 90 किलो 800 ग्राम है भाई इसका, अब इस जानवर का वेट होगा, अब मेरा तो वेट ही नहीं होगा, मैं तो हल्का हूँ बहुत यार, 83.3 अब नेक्स्ट मंथ देखेंगे किसका कितना वेट है, नेक्स्ट मतलब मई के एंड में देखेंगे कि किसका कितना वेट होगा, ठीक है भाई, ठीक है लेकिन लेकिन सो गाइस आज कर रहे हैं लेग्स का वर्कआउट, जैसे मैं फर्स्ट एक्सरसाइज वेटेड स्क्वाट लाइट वेट ही कर रहा हूँ, 30 में से 80 का 80 किलो मार रहा हूँ बस, क्योंकि तो उस दिन ज़्यादा हालत खराब हो गई थी, तो मैंने चाहता मेरे हालत दोबारा से वैसी हो, इसलिए लाइट वेट मार रहा Thank you.
फिलहाल स्ट्रेंथ करवाई आपका, मैं तो सीरियस हो गया हूँ वर्कआउट के लिए आज से, लेकिन ये स्ट्रेंथ कब आएगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। देखो इसके बैक में पेन था इसलिए इसने वेटेड स्क्वाट नहीं करी मेरे साथ, ये लेग प्रेस कर रहा है। अरे देख लो 200 किलो वेट मार रहा है, मेरे साथ ट्रेनिंग करेगा तो ऐसे वेट मारेगा बेटे, शाबाश। अच्छा ये थी दूसरी एक्सरसाइज फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। सो गाइस फाइनल एक्सरसाइज आप है ना, और जल्दबाजी में हालत किसी ने बहुत लाइट ऐसे नहीं करना कि एकदम से बहुत ज्यादा वेट लगा लो और फिर हाथ खा हो जाए, लाइट वेट। सेम सेम अस भाई अस। सो गाइस फोर्थ एक्सरसाइज और मेरा लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट काप्स, वेटेड काप्स कर रहा हूँ, वेटेड काप्स कर रहा हूँ, 5 सेट करना है। दूसरा है मेरा आखिरी एक्सरसाइज, ये हालत हो चुकी है भाइयों, लास्ट एक्सरसाइज है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी भैया को कुछ पता नहीं है, बढ़ा भी सकते हैं। लेग कर्ल्स पहला सेट ही दोबारा आ गया, वैसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ जीरो हो गया है मेरा, मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करूँगा फिर। सो गाइस फाइनली लेग्स का वर्कआउट हो गया और ज़्यादा हालत तो ख़राब नहीं हुई ना, वर्कआउट के टाइम हालत खराब होती है, उसके बाद नहीं। हाँ वर्कआउट के बीच में बहुत ज़्यादा हालत खराब होती है, ऐसा लगता है कि मतलब सांस फूल रहा है, वॉमिट आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाई को हुआ था एक बार बस, लेकिन फिर हुआ नहीं कुछ ज़्यादा, ठीक था वर्कआउट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आज हम दोनों ने जल्दी वर्कआउट ख़त्म कर लिया भाई, और बहुत जल्दी फ्री हो गए आज, मुझे बड़ा अच्छा सा लगा, जैसे स्कूल से जल्दी छुट्टी नहीं होती थी बचपन में, वैसे खुश होते थे, हाफ डे में आ गए वैसा लग रहा है मुझे। तो अब से हम डेली यही रखेंगे, हम जल्दी जाएंगे और जल्दी वर्कआउट करके जल्दी से फ्री हो जाया करेंगे, जिससे कि शाम को हम कुछ भी कर सकते हैं अपना, कुछ भी यानी थे। तो चल रहे हैं आप घर की तरफ, और वेट आप लोगों को पता चल ही चुका है, इसका था 90 और मेरा था 83। अब देखते हैं मई के एंड में कितना होता है वेट दोनों का। वेट मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करती है कि किसकी अच्छी क्वालिटी थी बॉडी, किसकी अच्छी डेफिनेशन। अभी अभी की उससे कंपेयर होगी, ये नहीं कि मेरे से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो फिर तो जीत ही जाओगे। अरे नहीं नहीं मतलब
अपने से अपने कंपैरिजन वो वाली बात है। मुझे तो वैसे भी गेनिंग ही करनी है तो मैं तो गेन ही करूंगा अभी, बट कंपैरिजन तो करेंगे ही करेंगे अपने से अपने कंपैरिजन है आपस में एक दूसरे से, पहले, नहीं से हाँ, पहले से कितना इंप्रूव करा है वो चीज होगी कंपैरिजन, वो देखा जाएगा। तो चलो भाई अगर चल रहे बाकी जो होगा आगे वो दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। सो गाइस देखो हु इज हियर, शर्मा क्यों रहा है भाई भाई स्पेशली ये बंदा बुलाया हमने फरीदाबाद से स्पीकर ठीक करने के लिए मजाक कर रहा हूँ भाई, भाई आया भाई आज इतने दिनों के बाद आया मेरे पास, तो आज हम बैठे हैं मस्त, सोचा मूवी वूवी देखेंगे तो, ये नहीं खुलेगा भाई ये परमानेंट है भाई, वो नहीं खुलेगा वो परमानेंट है मेरे भाई, परमानेंट है। अगर ये परमानेंट हो गया चीज दिखाता हूं मैं, तो इसकी ये वाला निशान है ना यहां पे, ये ना होता है। अच्छा ऐसा होता है, हां मैंने तो वैसे रिस्ट में चोट आई, देख ये परमानेंट है, हां ये परमानेंट है वाला। तो भाइयों हम मूवी देखने का प्लान कर रहे थे, फिर सोचा स्पीकर पे देखते हैं, लैपटॉप में थोड़ी आवाज कम आ रही है, तो स्पीकर देखा तो चल ही नहीं रहा, तो भाई ने कहा मैं करूंगा ठीक। माहिर है भाई लौंडा, एचएम तो इसने ऐसे ही कर रखी है असली में तो है ये इंजीनियर भाई तो देखता है अभी कब तक कितनी देर में ठीक कर पाता है, और शायद अभी शैंकी भी आ रहा है तो शैंकी आ जाए अभी कब देता है ये, वो तो ना तूने जॉनी लीवर वाली मूवी देखी थी अभी करके देता है, तो अभी शैंकी भी आ रहा है देखते हैं फिर क्या करेंगे, मूवी देखेंगे, मूवी देखेंगे वैसे तो, और कौन सी देखेंगे वो बताऊंगा फिर आप लोगों को, ठीक है। सो गाइस रात के बज रहे हैं 3 और हमको लग रही थी भूख, हम देख रहे हैं मूवी, कौन सी मूवी भाई, एवेटार 2, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल भूल चुका हूँ, इन दोनों को याद है, शैंकी भाई भी आ चुके हैं अपने, और हमें लगी थी भूख, हमने करा ऑर्डर बर्गर किंग से, और एक करी थी कोल्ड ड्रिंक जो कि बहुत ही नकली आई है, पानी भाई 90% पानी, तो कॉपीराइट ला दिया, डाल दिया उसमें रिव्यू, डाल दिया उसका रिव्यू, डाल दिया तूने रिव्यू, तो डाल दिया वीडियो, उन्होंने डालने के लिए बोला उसमें वीडियो में कैसे टेस्ट बताऊंगा, हां तो टेस्ट मत बता ऐसे बोल दे उन्होंने कि भाई फर्जी है जी, मेंशन कर दिया ये बर्गर किंग वाले फर्जीवाड़ा कर रहे हैं भाई, तो मूवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं अब हम, और कंप्लेंट कर रहे हैं, रिफंड ले, रिफंड ले लियो भाई, हां सबका ले ले, मैं तो कह रहा हूं सबका ले ले भाई, खराब है सीरियल घुमाया नहीं भाई ऐसे थोड़ी बंद नहीं हो गया भाई, उसको थोड़ा सा करना पड़ता है ना उंगली तब चलता है यार।